हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्वागत है आप सभी का आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धरती पर रहने वाले 7 सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स के बारे में। तो यार, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो यार, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, गीला मॉन्स्टर। गीला मॉन्स्टर जहरीली छिपकलियों की प्रजाति है और ये मैक्सिकन बीडेड लिजार्ड की काफी करीबी मानी जाती है। गीला मॉन्स्टर अमेरिका के साउथ वेस्टर्न और सोनारा के नॉर्थ वेस्ट मैक्सिकन स्टेट में पाई जाती है। इस छिपकली की लंबाई 2 फीट तक होती है, लेकिन ये बहुत ही धीमे चलती है। ये छोटे जीवों, चिड़ियों और अंडों को खाकर जिंदा रहती है। ये अधिकतर पहाड़ी और चट्टानों वाली जगह में रहती है, इसीलिए इसका इंसानों से सामना बहुत ही कम होता है। माना जाता है कि ये कोबरा की तरह ही दूर से जहर थूक सकती है। इसका जहर इतना जहरीला होता है कि अगर ये एक बार इंसान को काट ले तो उसकी तुरंत ही मौत हो सकती है। नंबर 2, रेटिकुलेटेड पाइथन। सभी सांपों की प्रजाति में रेटिकुलेटेड पाइथन सबसे लंबे होते हैं, और ये कुछ एशियाई देशों जैसे भारत, चीन और श्रीलंका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 6 से 24 फीट तक होती है और वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। ये ऐसे सांपों की प्रजाति है जो पूरे उम्र तक बढ़ते ही रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं, इसीलिए ये अधिकतर ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहां पानी नजदीक हो। अन्य अजगरों की तरह ही ये भी जहरीले नहीं होते, लेकिन इनका बड़ा सा भारी शरीर इन्हें दूसरे अजगरों से ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये अपने शिकार को लपेटकर उसका दम घोट देते हैं, उसके बाद उसे पूरा ही निगल लेते हैं। वैसे तो ये अन्य छोटे जानवरों को ही खाते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जब इन्होंने इंसानों को भी खाया है, और इनका गुस्सैल स्वभाव इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन्हें पालतू बनाकर रखते हैं, इसी वजह से इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और लोग इनका शिकार करते हैं। नंबर 3, एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल। अगर आपको भी लगता है कि कछुए धीमे और शांत जीव होते हैं, तो इस कछुए के बारे में जानने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कछुए की ये प्रजाति अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनकी लंबाई 30 इंच तक और वजन औसतन इंसानों से ज्यादा यानी कि लगभग 100 किलो तक होता है, जो कि इन्हें दुनिया का सबसे भारी कछुआ बनाता है। ये ओमनिवोरस होते हैं, जो घास फूस और मांस दोनों ही खाते हैं। ये पानी के अंदर ज्यादा खतरनाक नहीं माने जाते, लेकिन पानी के बाहर ये ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक बन जाते हैं और सामने आने वाली किसी भी चीज को खा जाते हैं। इनके काटने की ताकत एक भालू से भी ज्यादा होती है, यानी कि ये किसी इंसान की उंगली को एक ही बार में उसके हाथ से अलग कर सकते हैं। नंबर 4, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन छिपकलियों की प्रजाति में सबसे बड़ी छिपकली है, और ये कोमोडो ड्रैगन मुख्य रूप से इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड पर पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 10 फीट तक और वजन 70 से 100 किलोग्राम के बीच होता है। कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से सूंघ लेते हैं और अपने शिकार पर हमला कर देते हैं, जिससे कि इनके लार में मौजूद खतरनाक जहर शिकार के शरीर में चला जाता है और कुछ ही दूर जाने के बाद शिकार बेहोश होकर मर जाता है, और कोमोडो ड्रैगन सूंघते हुए उस तक पहुंच जाता है और उसे अपना भोजन बना लेता है। नंबर 5, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा सांप को लगभग सभी लोग जानते हैं। ये अफ्रीका के घने जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 6 फुट से लेकर 14 फुट तक हो सकती है। इनके मुंह के अंदर का पूरा भाग काला होता है और इसी वजह से इनका नाम ब्लैक मांबा पड़ा है। ये सांप जहरीले तो होते ही हैं, साथ ही ये सबसे तेज भागने वाले सांप भी माने जाते हैं। अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले और 20 मिनट के अंदर अंदर कोई इलाज ना मिले तो इंसान की मौत लगभग तय है। ये घने जंगलों में पाए जाते हैं, इसीलिए अगर ये घने जंगल में इंसान को काट ले जहां दूर दूर तक कोई इलाज ना हो, तो उस व्यक्ति का मरना पक्का है। ब्लैक मांबा के जहर से इंसान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े जानवर भी मौत की नींद सो जाते हैं। नंबर 6, इनलैंड टाइपन। इनलैंड टाइपन ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। चूहों पर किए गए एक शोध के बाद इसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना गया है। किसी भी रेप्टाइल्स में इसका जहर सबसे ज्यादा इंसानों के दिल को नुकसान पहुंचाता है। इसका जहर गर्म खून वाले जीवों को भी आसानी से मार सकता है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो इलाज न मिलने पर 30 से 45 मिनट में ही उस इंसान की मौत हो जाती है। ये सांप कितना जहरीला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक बार में इतना ज्यादा जहर छोड़ता है जिससे कि 100 इंसानों की एक साथ मौत हो सकती है। नंबर 7, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अभी तक बताए गए सभी रेप्टाइल्स में से अगर कोई आपको काट ले और आप समय पर इलाज करा लो तो आप बच भी सकते हो, लेकिन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जो भी इसके इलाके में जाता है, चाहे वो इंसान हो या शेर हो, उसका बच पाना नामुमकिन होता है। ये मगरमच्छ सबसे बड़े रेप्टाइल्स में से एक है। इनका जबड़ा बाकी मगरमच्छों के मुकाबले काफी बड़ा होता है। इनकी लंबाई 20 फीट और वजन 1000 किलो से 1300 किलो तक होता है। ये एक गुस्सैल,
आक्रामक और किसी से भी न डरने वाला जीव है, और जो भी इसके इलाके में जाता है उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। इसके जबड़े के काटने की ताकत सबसे ज्यादा मानी जाती है। ये क्रोकोडाइल जमीन के मुकाबले पानी में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, इसीलिए किसी का भी पानी में इनसे बच पाना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स। आपको इनमें से सबसे खतरनाक रेप्टाइल कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना।